हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब ठीक होंगे। रियल ब्लॉग्स कंचन में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए, अभी छत पे आए हैं तो ये तोड़ रहे हैं हम राजमा। राजमा उस दिन भी तोड़े थे और आज भी हो गया था तोड़ने वाला, तो सोचे तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे मम्मी क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है? राजमा। मम्मी राजमा तोड़ रही है और आज शाम हो रहा है ना, और यहाँ पे शाम हो रहा है और आप लोग को फुल सब दिखाऊं। कदी छी गाजर खाड़वा है मम्मी, इसका नाम वाला जाना पापा, इसका नाम ग्रीन बीन्स है ना? ग्रीन बीन्स नाम उसका, पता नहीं। देखो राजमा, अपना गाजर राजमा। हाँ ये राजमा। पापा मम्मी, इसका नाम राजमा। वो अपना घर का गाजर निकल गया। ये तो धनिया भी निकला। धनिया नहीं है, तो छोटा भी है। कितना अच्छा अच्छा ये क्या तब? गाजर है दो। गाजर मतलब कैरोट। गाजर का हलवा जो खाया था रात में वही गाजर है। ये गाजर पिंक कलर का होता है, रेड कलर का होता है, गाजरी कलर का होता है। गाजर का हलवा, हाँ इसी से तो बनता है गाजर। यहाँ पे देखिए कितना सारा मूली भी निकल गया है। और ये मूली कब से खा रहे हैं? बहुत दिन से खा रहे हैं, अभी भी इतना मूली है बचा हुआ, तो हम लोग के लिए बहुत काफ़ी हो गया इतना ही मूली, क्योंकि सब्जी में डालते हैं और ठंडा का मौसम है तो बहुत कम ऐसे कच्चा खाते हैं सलाद में। और यहाँ पे देखिए आज शिमला मिर्च का भी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, इसको भी तोड़ लेते हैं। ये भी हो गया था तोड़ने वाला। और अभी ठंडा जो है ना बहुत ज़्यादा, इसके लिए थोड़ा सा गर्मी आएगा तो फिर इसमें नया फल लगेगा। अभी और भी हैं छोटे छोटे। तो यहाँ पे देखिए इतना राजमा, इतना शिमला मिर्च हो गया और उतना मूली गाजर, तो यही सी चीज़ का हार्वेस्टिंग किए हैं। और टमाटर तो अभी पका नहीं है, फला हुआ तो बहुत ज़्यादा है लेकिन पका नहीं है। और अब डाल रहे हैं हम सारे फूल पौधों में खाद। तो ये खाद मेरा घर का ही बनाया हुआ खाद है, जो हम डब्बे में बना के रखते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो इसको हम पानी में मिक्स करके अब डाल रहे हैं सारे पौधों में। और अगर आप लोग बोलिएगा तो कमेंट कीजिएगा, तो हम इसका भी मतलब आप लोग के साथ भी शेयर करेंगे कि हम घर पे खाद कैसे बनाते हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो प्याज था जिसमें मतलब निकल गए थे पत्ते, तो उसको हम इसमें लगा दे रहे हैं ग्रो बैग में। और पहले का जो प्याज है उसको उखाड़ लिए हैं, अब थोड़ा सा पानी डाल देते हैं क्योंकि मिट्टी सूखा हुआ है, फिर इसके बाद नहीं डालेंगे। और उसके बाद रात हो गई है तो अब आए हैं हम बनाने, जिसका आप लोग को इंतज़ार था, जिसके बारे में हम आप लोग से बोले थे कि आप लोग के साथ खोए का रेसिपी शेयर करेंगे, खोए से हम क्या बनाने वाले हैं। तो आज वही देखिए बना रहे हैं। तो आज बना रहे हैं हम दूध पिट्ठा बोला जाता है इसको, या मीठा पिट्ठा जो भी बोलिए। तो ये चावल के आटों से बनता है। तो यहाँ पर देखिए चावल का आटा तैयार कर रहे हैं। तो जब गर्म पानी में उबाल आ गया था तब आटा को डाल के और उसको मिला करके अब निकाल दे रहे हैं। और ये आटा थोड़ा ज़्यादा इसलिए है कि इसका जो है हमें सादा पिट्ठा भी बनाना है। और ये देखिए ये है खोया, उस दिन जो हम बना के रखे थे उसको भी हम बाहर फ्रिज से निकाल लिए हैं। अब आटा को गूंद लेते हैं। तो आटा का जो आटा को जो गूंदना है तो बहुत सॉफ्ट आटा गूंदना है, क्योंकि इसका मीठा
पिट्ठा बनेगा। तो आगे का रेसिपी देखने के लिए वीडियो पे बने रहिए। तो यहाँ पे देखिए हम आटा को गूंथ लिए हैं, अब इसको ढक के साइड रख देते हैं। और यहाँ पर जो चावल का आटा सब गिर गया है तो उसको साफ कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद इसको बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए साफ़ करने के बाद हम कढ़ाई में दूध चढ़ा दिए हैं, और इसमें देखिए खोया में चीनी तो पहले से ही डाला हुआ है, इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स कूट के डाल दिए हैं जैसे काजू बादाम। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं क्योंकि इसको आटा में भरना है, दूध पिट्ठा इसी तरीके से बनाया जाता है। और अगर आपके खोए में पहले से चीनी नहीं डाला हुआ है तो आप चीनी पीस के इसमें मिला सकते हैं, और इसी प्रकार से। और इलायची भी हम कूट के रखे हैं जो दूध में डालेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए इसको मिक्स कर लिए हैं और उसमें दूध में उबलने के लिए दूध को रख भी दिए हैं। तो अब देखिए इस तरह से गोल गोल लोई लेना है और इसको बीच से दबाते हुए फिर इसमें खोए को भरना है। तो हम इसको पतला पतला बना रहे हैं क्योंकि ज़्यादा मोटा अच्छा नहीं लगेगा। और अब इसको बीच में खोए डाल के और चारों तरफ से दबा के, जैसे हम लोग पूरी सबके लिए बनाते हैं उसी तरीके से दबा करके इसको राउंड हम एक बना रहे हैं। तो हम तो पूरा राउंड नहीं बनाएंगे, एक आपको बना के दिखा रहे हैं कि आप चाहे तो राउंड शेप का भी बना सकते हैं। तो हम इसको दबा के लंबा लंबा बनाएंगे। तो चलिए आपको हम एक और बना करके दिखा देते हैं किस तरीके से इसको भरा जाता है। और अब हम दूध को भी चलाते जा रहे हैं और दूध में कुछ भी नहीं डाला हुआ है, चीनी उनी अभी कुछ नहीं डाला है, चीनी बाद में डाला जाएगा क्योंकि अभी सबसे पहले हमें इसको पकाना है। तो यहाँ पे देखिए हम दूसरा भी बनाने के लिए बीच से दबा लिए हैं, दबा के इसे पसार दिए हैं और अब इसके बीच में डाल के और इसको हाफ हाफ मोड़ देंगे इस तरीके से, और इसका मुंह जो बंद है बंद कर देंगे दबाते हुए। अच्छे से इसको बंद करना है क्योंकि दूध में इसको पकाया जाएगा तो ये निकल नहीं जाए। और इसको हाथ से अब पूरा चिकना कर देना है अच्छे से। तो इस तरीके से हम सारा बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दूध में उबाल भी आ गया है और दूध को बीच बीच में हम चलाते भी जा रहे थे क्योंकि दूध नीचे से लग जाता, और जितना बना था हम उतना डाल दिए हैं। और जब ये ऊपर में तैरने लगे तो तभी इसको निकालना है, जब ये पक जाता है तो ये ऊपर में तैरने लगता है। तब देखिए हम इसको एक कटोरी में निकाल के रखते जा रहे हैं क्योंकि एक बार में नहीं बना है तो हम थोड़ा ज़्यादा बनाए हैं, और आप लोग अपने हिसाब से बनाइए। तब देखिए इसको भी निकाल लिए हैं और जो बना के रखे हैं तो उसको भी इसी तरीके से हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम इसको भी निकाल लिए हैं, ये भी बन गया था। तो अब जो है अब दूध को गाढ़ा करना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसमें मीठे के हिसाब से चीनी डाल देते हैं और इलायची का पाउडर भी हम इसमें डालेंगे। तो वो क्लिप हमसे लगता है मिस हो गया तो वो आप लोग को नहीं दिखा पाए। तो अब देखिए इसमें उबाल आ रहा है, ये गाढ़ा हो रहा है, तो गाढ़ा होकर के देखिए कितना कम हो गया है। और साइड में हम ये वाला भी सादा वाला भी बनाए हैं, सब्जी भी बनाए हैं, तो क्योंकि मीठा तो ज़्यादा खाया नहीं जाएगा तो ये बस स्वाद के लिए। और यहाँ पे देखिए जब दूध गाढ़ा हो गया था, आधा हो गया दूध, तो उसके बाद हम ये जो सारा पका के रखे हुए थे पिट्ठा को उसको इसमें डाल देते हैं और अब मिक्स करके इसको ढक देंगे। तो ये हमारा मीठा पिट्ठा बनके तैयार हो गया है। और ये जो दूध है बिल्कुल रबड़ी जैसा लगता है खाने में, और पिट्ठा के अंदर भी खोया है तो ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मेरा मीठा पिट्ठा बनके तैयार है। तो हम लोग आए हैं, ये मेरा और मेरे हस्बैंड का दोनों का है खाना, हम लोग आए हैं खाने और साथ में बनाए हैं आलू गोभी की सब्जी, और ये सादा वाला, इसमें कुछ भरा हुआ नहीं है। तो चलिए आप लोग को भी टेस्ट करवाते हैं कैसा बना है मेरा मीठा पिट्ठा। ये लीजिए आप लोग भी खा के बताइए कैसा बना है, इसके अंदर खोया भरा हुआ है। चलिए अब हम लोग खा लेते हैं। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।